नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की नानी का निधन हो गया है, जिसके चलते एक्टर ने अपने सारे इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया है। बता दें, रणवीर अपनी नानी के बेहद करीब थे। इसका खुलासा रणवीर एक इंटरव्यू के दौरान कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर की नानी की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी। इस साल जनवरी में रणवीर ने अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण को भी अपनी नानी से मिलवाया था। रणवीर सिंह ने एक दफा एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था कि वो अपनी नानी के बेहद करीब है। इस इंटरव्यू के दौरान रणवीर ने ये भी बयां किया था कि वो अपनी नानी के लाड प्यार में बड़े हुए हैं। रणवीर ने ये भी कहा कि सभी से प्यार करने का गुर उन्होंने अपनी नानी से ही सीखा है, इसलिए मैं अपने सभी फैंस, दोस्तों और परिवार को बेहद चाहता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ। हमारे घर में खूब किसिंग और गले मिलना चलता है। फिल्मों की बात करें तो रणवीर सिंह आखिरी बार ब्लॉकबस्टर हिट पद्मावत में नजर आए थे। अब उनकी अगली फिल्मों में करण जौहर और रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा शामिल है। इसके अलावा रणवीर जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में भी लीड रोल प्ले करते दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि रणवीर सिंह इस साल के नवंबर महीने में दीपिका पादुकोण के साथ शादी रचाएंगे। अब ऐसे में जब रणवीर की नानी के निधन की खबर आ गई है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या रणवीर इस साल एंड में शादी करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।